कराची से आपको खबर देंगे। अरब शहजादे शिकार करके चले गए, फीस अदा नहीं की। अरब शहजादों पर महकमा जंगली हयात के 13 लाख डॉलर वाजिबुल अदा हैं। इसी पर बात करेंगे आजिस जमाली से। आजिस बताएगा अब कौन अदा करेगा इनकी फीस? जी देखिए, ये हर साल इस मौसम में मुख्तलिफ अरब ममालिक से शहजादे तलूर परिंदे का शिकार करने यहाँ पे आते हैं, डिजर्ट के इलाके जितने भी हैं सिंध के। इस बार भी 13 लाइसेंस जारी हुए थे नवंबर में वफाकी वजारत खारजा की हिदायत पर, और पहली बार वजारत खारजा ने ही ये फीस तय की थी कि हर शहजादे को एक लाइसेंस के बदले $1 लाख अदा करने होंगे सिंध हुकूमत को, ताकि वो पैसे उन्हीं इलाकों की तरक्की पर खर्च हो सकें। लेकिन हुआ ये कि ये 1 से 1.5 महीना ये शहजादे यहाँ पर रहे, इनमें से 8 तकरीबन चले भी गए हैं, 3-4 भी यहाँ पर हैं, तो उन्होंने फीस अभी तक अदा नहीं की, पैसे अदा नहीं किए, जिसके बाद इस वक्त सिंध हुकूमत परेशान है कि जो वफाकी हुकूमत ने कमिटमेंट किया था वो पैसे कौन अदा करेगा। इन्होंने खतूत भी लिखे हैं, अभी ताज शेख है यहाँ पे चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ का, उससे मेरी बात हुई है, तो इन्होंने काउंसल जनरल हैं उनको खतूत भी लिखे हैं, वजारत खारजा को भी लिखा है और वजारत खारजा को कहा है कि ये पैसे सिंध हुकूमत को दिलवाए जाएं, देखना यह है कि मिलते हैं या नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया आपका आजिज जमाली।